दुर्ग भिलाई चिरोदा कुम्हारी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को फाइबर केबल के माध्यम से स्वस्थ मनोरंजन सुविधा उपलब्ध कराने वाले कंपनी ग्रैंड विजन के स्थानीय प्रबंधक ने दुर्ग जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर ग्रैंड विजन की केबल सेवा को नुकसान पहुंचाने वाले शार्क नेट विजन दुर्ग बोरसी के संचालक अशोक शर्मा, उनके पुत्र अक्षय शर्मा व उनके कर्मचारी मोहसिन खान, मिथिलेश तिवारी, गोल्डी एवं अरुण दलाई द्वारा मिलकर फाइबर केबल को काटकर चोरी कर टीवी चैनल के प्रसारण को बाधित कर आम जनता को मनोरंजन से वंचित रखने का कुप्रयास कर रहे हैं, जिससे ग्रैंड विजन कंपनी की छवि को धूमिल कर कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रैंड विजन के स्थानीय प्रबंधक ने कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपकर ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में ग्रैंड एशियन की तरफ से पल्लव सोम, शमसुल खान, समीर खान, शाहिन खान व ब्रांच हेड हमीद खान ने शासन प्रशासन से उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ग्रैंड एशियन पूरे दुर्ग भिलाई में एक स्वच्छ मनोरंजन देता है, जिसके कहना चाहिए कि जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे प्रसारण को, हमारे मनोरंजन को बाधित किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हमने पिछले कई समय से शहर के विभिन्न थानों में एसपी साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ हमने कंप्लेंट की हुई। आज भी उसी सिलसिले में हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, एसपी साहब से भी मिले और हमारे आईजी साहब को भी हमने कंप्लेंट की है कि इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमारे दर्शकों को स्वच्छ मनोरंजन मिले, सर्विस हमारी अच्छी रहे। हम कार्रवाई चाहते हैं इस पर कि जो भी असामाजिक तत्व हैं, जिस पर हमको शक है कि यही लोग इसमें सम्मिलित हैं, उसके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं। क्या आश्वासन मिला है उनकी तरफ से? निश्चित रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और देखते हैं हम आगे। आज कलेक्टर महोदय को अपने ज्ञापन दिया, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया तो इस पर हम कार्रवाई करते हैं।